हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जियो के मोबाइलों की चार्जिंग पिन को कैसे आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसे पूरा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ चार्जिंग पिन इसकी ख़राब हो चुकी है दोस्तों, इसमें चार्ज नहीं हो रहा है। सबसे पहले इसमें हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद में इसे हार्ड गन से हीट करेंगे। हार्ड गन से हीट करने के बाद यह बहुत आसान तरीके से निकल जाता है। थोड़ी देर इसे हीट देते रहना पड़ेगा। जैसे ही यह अधिक उड़ जाए, हीट होगा, आसान तरीके से चिमटी से पकड़ के इसे निकाल देंगे। देखो दोस्तों, यह निकल चुका है और इसके पूरे पॉइंट सेफ रह चुके हैं। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो यह टूट जाता है। इसको थोड़ा स्वैप कर लेंगे। स्वैप करने के बाद कहीं ऐसे इसके पॉइंटों को और रिसोल्व करते हुए पेस्ट लगाकर रिसोल्व कर लेंगे। इसके पॉइंटों को बराबर बढ़िया तरीके से बनाने के बाद में एक चार्जिंग पिन यहाँ जो लगा हुआ लटका हुआ जो काला काला निशान है पेस्ट का, इसको बढ़िया से आप कर लेंगे दोस्तों, इससे ताकि अपने को आसानी जाए वह चार्जिंग पिन लगाने के लिए। बढ़िया से आप हो जाने के बाद में एक चार्जिंग पिन लेना है। चार्जिंग पिन पे रांगा लगा देना है से रांगा, ताकि यह आसान तरीके से बढ़िया मस्त मजबूत तरीके से पकड़ ले। चार्जिंग पिन उखड़ने का जो डर रहता है, ऐसे लगाने से वह नहीं उखड़ती है और एक ही बार में बहुत ही आसान तरीके से वह फिट हो जाती है। लगाने के बाद में इसे व्यवस्थित ढंग से अपनी जगह पर रखना है और फिर से इसे मस्त रंगा लगा करके इसकी पिन को बराबर रूप से कर लेना है। अब इसे नीचे से हिट देंगे दोस्तों। ऊपर से हिट देने पर चार्जिंग पिन पिघल जाती है, तो नीचे से हिट देना है। नीचे से हिट देंगे और इसे व्यवस्थित ढंग से ऊपर से हल्का चिमटी से दबा कर रखेंगे और नीचे से हिट देते जाएंगे, ताकि यह बहुत ही आसान तरीके से चिपक जाए और हमें इसे चिपकाने में कोई असुविधा ना हो। यह सुविधाजनक मस्त चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद इसे टेस्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पीछे बैटरी लगाने के बाद इसे टेस्ट किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक ही बार में सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू।